बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स पर गानों के चोरी का इल्ज़ाम अक्सर लगता रहता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉन्ग की जिसे बनाने का श्रेय तो जाता है एसडी बर्मन को, लेकिन इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको इस एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसका श्रेय हम एसडी बर्मन को ही देते हैं। ये सॉन्ग था ठंडी हवाएं, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म थी नौजवान। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1951 में। इस सॉन्ग को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। ये एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग था और इसकी ट्यून इतनी कैची थी कि इस ट्यून पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 10-10 गाने बने थे। इंटरेस्टिंग। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि इस सॉन्ग की ट्यून कॉपीड है, लेकिन इस ट्यून पर जो बाकी के गाने बने हैं उन्हें बड़ी ही खूबसूरती के साथ फेर बदल करके बनाया गया है। जिन्हें म्यूजिक की नॉलेज है वो इस ट्यून को हर गाने में पकड़ ही लेंगे। तो चलिए जानते हैं इस ट्यून पर कौन कौन से गाने बने थे। वेलकम टू पलट, तेरा ध्यान किधर है। '54 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चांदनी चौक। इस फिल्म के लीड एक्टर्स थे मीना कुमारी, शेखर और जीवन। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन और सॉन्ग था तेरा दिल कहाँ है। इस सॉन्ग को सुनकर डेफिनेटली आपको एक पॉपुलर सॉन्ग की याद आएगी। तो चलिए बात करते हैं उसी सॉन्ग की, और वो खास सॉन्ग है ये सॉन्ग है फिल्म ममता से, जो कि रिलीज हुई थी 1966 में, और इस सॉन्ग को गाया था लता मंगेशकर ने। इस सॉन्ग की ट्यून काफी हद तक ठंडी हवाएं सॉन्ग से मैच करती है। इसके पीछे भी एक कहानी थी। एक्चुअली ठंडी हवाएं सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर एसडी बर्मन से एक बार रोशन मिले और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि उनके सॉन्ग ठंडी हवाएं की ट्यून को वो अपने एक सॉन्ग में यूज करना चाहते हैं। एसडी बर्मन ने इसके लिए फौरन हाँ कर दी और फाइनली रोशन ने सॉन्ग बनाया रहे न रहे हम। 1964 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था आपकी परछाई। इस फिल्म के लीड एक्टर थे धर्मेंद्र और सॉन्ग था यही है तमन्ना। इस सॉन्ग को कंपोज किया था मदन मोहन ने। ये सॉन्ग भी पूरी तरह से ठंडी हवाएं सॉन्ग की एक कड़ी है और इसके ट्यून को भी हूबहू कॉपी किया गया था। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। आगे बात करते हैं इसी सॉन्ग की एक और कड़ी के बारे में। ये सॉन्ग था तमिल लैंग्वेज में। फिल्म रिलीज हुई थी 1952 में और ये सॉन्ग था कोंजुम पुरावे, जिसे गाया था M.L. वस्था कुमारी ने। बात करेंगे 1981 में रिलीज्ड फिल्म नरम गरम की, जिसके लीड रोल्स में थे अमोल पालेकर, उत्पल दत्त और स्वरूप संपत। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म में एक सॉन्ग था हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, जिसे गाया था आशा भोसले ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी बर्मन। ये सॉन्ग भी आरडी बर्मन ने अपने पिता एसडी बर्मन के सॉन्ग ठंडी हवाएं के ट्यून से उठाया था। इसी से मिलता जुलता एक और सॉन्ग था हमें और जीने की चाहत ना होती, हालांकि इस सॉन्ग का केवल शुरुआती पार्ट ठंडी हवाएं की याद दिलाता है। हमें और जीने की चाहत ना। 1976 में शम्मी कपूर ने एक फिल्म का डायरेक्शन किया था जिसका नाम था बंडलबाज। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे राजेश खन्ना, सुलक्षणा पंडित और शम्मी कपूर। इस फिल्म में भी एक सॉन्ग था जो कि पूरी तरह से इंस्पायर था ठंडी हवाएं सॉन्ग से। इस सॉन्ग को गाया था लता मंगेशकर ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी बर्मन। '80s के दशक में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नरगिस, जो कि किन्हीं कारणों से कभी रिलीज नहीं हो पाई। इस फिल्म में भी एक सॉन्ग को गाया था लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने और ये सॉन्ग था दोनों के दिल हैं। इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। दोनों के दिल हैं, मजबूर प्यार से। 1985 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सागर। इस फिल्म के लीड रोल्स में थे ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और कमल हसन। इस फिल्म में एक गाना था सागर किनारे, जो कि पूरी तरह से इंस्पायर्ड था ठंडी हवाएं से। इस सॉन्ग के भी म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ही थे। सागर किनारे, दिल ये पुकारे। 1993 में देवानंद ने एक फिल्म का डायरेक्शन किया था जिसका नाम था प्यार का तराना।
इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राम लक्ष्मण। फिल्म का एक सॉन्ग कहा था जो तुमने भी हाईली इंस्पायर्ड है ठंडी हवाएं सॉन्ग से। कहा था जो तुमने इनके अलावा 50s के दशक में एक मलयाली सिंगर राजा आजमी ने भी सेम इसी ट्यून पर एक सॉन्ग गाया था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो सॉन्ग यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है। ठंडी हवाएं का अगर सही तौर पर देखा जाए तो दो बार अच्छा रीमेक बना। एक सॉन्ग था रहे न रहे हम और दूसरा सॉन्ग था सागर किनारे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। बहुत मामूली से डिफरेंसेस के साथ इस सॉन्ग को इस ट्यून पर रखकर बनाया गया था। तो कहने का मतलब है कि ये सारे सॉन्ग एसडी बर्मन की बनाई ट्यून पर बेस्ड थे, लेकिन एक्चुअली में एसडी बर्मन की बनाई गई ये ट्यून भी इंस्पायर्ड है। 1938 में चार्ल्स बॉयस ने फिल्म अल्जीरिया में एक गाना गाया था। ठंडी हवाएं सॉन्ग इस गाने के एक छोटे से पार्ट से इंस्पायर्ड है। देखिए, इंस्पायर्ड होने के बाद भी एक म्यूजिक डायरेक्टर को अपने सॉन्ग को अपनी तरीके से बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी गाने के एक छोटे से पार्ट से इंस्पायर्ड होकर अपना पूरा खुद का गाना बनाता है तो उसकी मेहनत पर शक नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ बातें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए